अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो हमने पीछे न्यूमेरिकल्स किए थे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 तो बच्चों आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 2.6 से ऑनवर्ड 2.5 से ऑनवर्ड हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सेम वही है वही थॉट्स हैं वही फ्रेम ऑफ माइंड है जिससे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो मैं लेट मी रीड द स्टेटमेंट 2.6 अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट यानी कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है किससे रेस्ट पे स्टार्ट हो रही है रेस्ट पे स्टार्ट हो रही है तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेटमेंट रीड करते साथ ही आपका क्या चीज कंप्लीट होनी हो जानी चाहिए गिवन यानी कि गिवन जिस बच्चे ने गिवन बना लिया ना उसका 80% न्यूमेरिकल सॉल्व है तो जैसे आपने स्टेटमेंट रीड करनी है आपको गिवन बनाना आ गया तो आपको अगर फार्मूला पता है ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल इज सॉल्व है देखिए अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड तो जो स्टेटमेंट का जो पहला हिस्सा है मुझे पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो चीज़ क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी ठीक है उसके बाद उन्हें नेक्स्ट सेकेंड चीज़ क्या बताई इसकी एक्सेलरेशन क्या है 0.5 मीटर पर सेकेंड यानी कि हर सेकेंड के हिसाब से ना इतनी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है एक्सेलरेशन कहलाता है अगली बात क्या बताइए फाइंड इट्स स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर यानी कि इसकी स्पीड फाइंड करें कब फाइंड करें व्हेन इट हैज़ मूव अप टू 100 मीटर यानी कि तीसरी चीज़ क्या बताई उन्होंने डिस्टेंस बताया डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 100 मीटर तो क्या गिवन था जी ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई इतनी इसकी एक्सेलरेशन हो गई और इतने डिस्टेंस करने के बाद बताएं कि उसकी क्या वेलोसिटी या स्पीड है ये हमने फाइंड करना है तो ये आपका गिवन यहाँ से कंप्लीट हो गया सेम यहाँ पे आप जाते हैं सिंपल आपको मैंने बताया था पहले गिवन लिखना है फिर बाय यूजिंग फार्मूला देखिए आप जो क्वेश्चन रीड करते हैं स्ट्रेन स्टार्ट फॉर्म रेस्ट ये वगैरह तो फौरन आपके जेन में आ जाना चाहिए कि यार वी आई गिवन है ए गिवन है एस गिवन है तो मैंने वी एफ फाइंड करना है तो वो कौन सा फार्मूला होगा जिसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं फिर आप सोचेंगे चैप्टर के बारे में आप चैप्टर में सोचेंगे वेलोसिटी की मैं वो सिनेरियो समझा रहा हूँ जब आप पेपर सॉल्व करेंगे वेलोसिटी में नहीं है वो टॉपिक यानी कि वो स्टफ है नहीं एक्सेलरेशन का सोचेंगे वो तो भाई गिवन है फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे फर्स्ट देखें फर्स्ट पे आएंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी यार इसमें तो एस है इसमें एस तो है ही नहीं तो ये लगनी नहीं है सेकंड क्या है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर तो देखें वी आई इज देयर एस इज देयर ए इज देयर तो क्या टी है टी भी नहीं है ठीक है तो वी एफ भी नहीं है इसमें आ रहा तो टी वहाँ पे गिवन ही नहीं है वी एफ भी इसमें नहीं है तो ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जाता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में सॉरी वी एफ का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर तो जब मैं ये इक्वेशन को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ए इज देयर टू भी है सॉरी वो जो फार्मूले में है एस भी गिवन है और वी एफ मैंने फाइंड करना है और वी आई भी गिवन है यानी कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट होगा तो आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स के बारे में बच्चों एक ना कहावत है कि न्यूमेरिकल्स के जितने स्टेप होने चाहिए ना देखो इसको सॉल्व करने के बेस्ट थ्री अप्रोचेज हैं फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस चैप्टर से आया अ वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि जो मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स किस चैप्टर से आया है यानी कि आपको चैप्टर कन्फर्म हो ठीक है आपको गिवन पता हो कि गिवन है क्या और तीसरा क्या है करेक्ट फार्मूला ठीक है और फार्मूला सर्च कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया तो कम्स टू टॉपिक तो बाय यूजिंग फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया था 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर तो बच्चों यहां तक कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए अब हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे मैं 2 की जगह 2 वैसे क्या वैसे a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 0.5 s की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 10 मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा जी उसके बाद हमारे पास वी एफ मैंने फाइंड करना है और वी आई मेरे पास क्या है जीरो है सॉरी जीरो
तो जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो मैं इनको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 100 VF का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, अब आपको पता है कि क्या मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूं, 10 × 10 लिख सकता हूं मैं, तो 10 का स्क्वायर VF का स्क्वायर दोनों तरफ ले लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा, ये से कैंसिल, तो VF की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज बात की है हमें कि फाइंड इट्स स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आपने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने इसको किसी भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3600 से और डिवाइड कर देना है आपने 1000 से। तो ये फार्मूला आता है मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करने का, किलोमीटर पर आवर में करने का। ये मैंने आपको कन्वर्जन में करवाया था, मैंने आपको पूरा डिटेल से। तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो जा रहा है। सो ये हमारा न्यूमेरिकल थ्योरी प्रॉब्लम नंबर 2.6। अब हम करेंगे जी प्रॉब्लम नंबर कौन सा है जी 2.7, अ वेरी इजी न्यूमेरिकल विद अ वेरी लेंथी अप्रोच। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमने क्या फाइंड करना है जी, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि उस चीज ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। अच्छा जी, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि ट्रेन किससे स्टार्ट है, रेस्ट से स्टार्ट है, तो हमें पता है कि रेस्ट पे हमें क्या गिवन है जी, यहाँ पे मैं यहाँ से ला लेता हूँ, मैं इस सीक्वेंस से चलेंगे हम, चलें जी। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, पहली बात उन्होंने हमें ये बता दी। नेक्स्ट बात क्या बताई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म करता है एंड अटेन्स द वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या कर लेता है 48 किलोमीटर पर आर। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13.33 मीटर पर सेकंड। इसको आप करके देख लें, आप अगर आप कहते हैं तो यहां पे साइड पे लिख लें आप 48 तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 13.33 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या चीज गिवन है बच्चों इसमें, अच्छा जी, यूनिफॉर्मली एंड अटेन द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स, यानी कि टाइम भी क्या गिवन है हमें, टाइम भी गिवन है कितना 2 मिनट्स टाइम गिवन है, और हमें पता है 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट्स में कितने हो गए 2 × 60 120 सेकंड्स हो गए। तो गिवन क्या हमारे पास बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम गिवन है। नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना है जी, अच्छा जी, इन 2 मिनट्स, ठीक हो गया, इट ट्रेवल्स फॉर अ स्पीड ऑफ फॉर 5 मिनट्स एंड फाइनली मूव द रिटार्डेशन, ठीक है जी। न्यूमेरिकल्स के 3 आप टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। पहले आपको गिवन था ट्रेन रेस्ट पे चली थी, उसने रेस्ट से लेकर अगले 2 मिनट तक उसने इतनी वेलोसिटी क्या कर ली है, अटेन कर ली है, ठीक है, 2 मिनट तक उसने इतनी वेलोसिटी आप उसने अटेन कर ली है। फिर उसने क्या किया है कि 5 मिनट तक वो इसी स्पीड से चलता रहा, फिर उसको जो ट्रेन थी उसके बाद ट्रेन आस्ता आस्ता उसकी रिटार्डेशन होती रही, वेलोसिटी कम होती रही और वो रेस्ट पे पहुंच गई है, और कितनी देर तक वो रेस्ट में पहुंचने में लगे, उसको 3 मिनट और लगे हैं। तो बताएं जी, जब वो 0 से इस स्पीड में चला था 2 मिनट के लिए तो तब क्या डिस्टेंस था, फिर 5 मिनट तक चलता रहा फिर क्या डिस्टेंस हुआ, फिर अगले 3 मिनट तक वो स्पीड कम होती होती ब्रेक पे लगी तो तब क्या डिस्टेंस हुआ। तो हमने टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है।
तो जी सबसे पहले हम पकड़ते हैं जी केस वन पकड़ते हैं। कब पकड़ते हैं केस वन में? क्या जब इनिशियल जीरो से उसने इतनी फाइनल वेलोसिटी अटेन की और इतनी सेकंड तक वो चला, तो डिस्टेंस की हमें एस इज इक्वल टू वी टी पता, हमें होता है फार्मूला। अब देखिए अब हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेनी है। हमने एवरेज वेलोसिटी क्यों लेनी है? क्योंकि जीरो से 13.33 मीटर पर सेकेंड तक वो गया, तो इन दोनों का हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या होता है? वी एफ प्लस वी आई ओवर टू क्रॉस टी। वी एफ था 13.33, वी आई था जीरो, ये था टू क्रॉस टी। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.66 मल्टीप्लाई बाय 120 और विच इज इक्वल टू 799.9 मीटर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 800 मीटर। ये बच्चों आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, सिंपल फार्मूला पता है, और ये आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर दो। ये था हमारे पास केस वन के जब जीरो से वेलोसिटी इतनी देर तक इतनी वेलोसिटी फाइनल अटेन हुई और 120 सेकंड तक वो चलती रही, तो तब कितना डिस्टेंस था। फिर हमारे पास आ जाता है केस टू। केस टू क्या था जी? जब उसने इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली, ठीक है, यानी कि केस टू क्या था? जब उसने इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली तो इस वेलोसिटी में वो लगातार 5 मिनट तक वो चलता रहा। तो हमें अब 5 मिनट में टी हमने फाइंड करना है, 5 मिनट्स बताए उसने, हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 5 मल्टीप्लाई बाई हो गया 300 सेकंड्स, इनके 300 सेकंड तक वो इसी वेलोसिटी से क्या करता रहा? चलता रहा। तो हमने हमें टाइम भी गिवन हो गया है, स्पीड भी गिवन है, तो हम फार्मूला पुट करेंगे एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। वी की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे? 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300। तो जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4000 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास केस टू। अब वो चीज़ केस थ्री में क्या कहता है? वो कहता है कि सेम जीरो से स्टार्ट हुआ वीएफ में, इतना चलता रहा, फिर 5 मिनट तक चलता रहा, फिर उसने यहाँ पे ब्रेक लगाना शुरू कर दी, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, वो चीज़ रुकने शुरू हो गई। केस थ्री यानी कि अब 5 मिनट तक चलता रहा है, अगले 3 मिनट तक वो आ गया है जीरो पे, उसने ब्रेक पुट कर ली, रिटार्डेशन हो गई, तो तब क्या होता? लेकिन जब वो चल रहा था तो तब आपकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 13.33 मीटर पर सेकेंड। जब उसने ब्रेक लगाई होगी 3 मिनट के बाद, वो चीज़ ब्रेक में आ गई होगी, तो जब चीज़ रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। ठीक है जी, नेक्स्ट हमने टाइम क्या था जी? 3 मिनट उसको लगे थे ब्रेक में आते आते, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 180 सेकेंड्स। तो सेम फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी पे दोनों का हम एवरेज ले लेंगे, एस इज इक्वल टू वी ए वी क्रॉस टी। ये होगा वी एफ प्लस वी आई ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टी। वी एफ की क्या वैल्यू थी जी? जीरो, इसकी थी हमारे पास 13.33 ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टी, हमारे पास क्या था जी? 180 सेकेंड्स थे। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट कर लूँगा ये आ जाएगा जी 6.66 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आपके पास ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1200 मीटर। तो देखें ये क्या निकला हमारे पास? 800, ये निकला 4000 और ये हमारे पास है 1200। तो गाड़ी रेस्ट सम अप इस पूरे न्यूमेरिकल का, रेस्ट से चली सी, इतनी वेलोसिटी अटेन की और 2 मिनट तक चलती रही, फिर उसी वेलोसिटी से अगले 5 मिनट तक चलती रही, फिर ब्रेक लगी, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई और कम होते होते वो रेस्ट पे आ गई और 3 मिनट लगे उसको रेस्ट पे आने में। तो बताइए टोटल डिस्टेंस क्या है? अब क्या करेंगे हम? एस क्या होगा? एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री कर लेंगे। इसको एस वन कह लें, इसको एस टू कह लें, इसको एस थ्री कह लें आप। तो तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 800 प्लस 4000 प्लस 1200 विच इज इक्वल टू 6000 मीटर। आंसर इज 6000 मीटर, बिल्कुल ठीक है। सो ये है कि हमारा बच्चों न्यूमेरिकल ऐसा लेंथी वन, यू नो
टेक टाइम, लेकिन बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, लेकिन चलो दे देते हैं. इतनी बड़ी स्टेटमेंट वाला अक्सर आता नहीं, लेकिन फिर भी वो आपसे इसका कुछ इतना पार्ट पूछ सकते हैं. ठीक है, तो मूव टू टूवर्ड्स नेक्स्ट, सॉरी न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल है अब हमारा जी 2.8. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मुझे अच्छा लगता है, शॉर्ट वन एंड बिट ट्रिकी वन. ठीक है, सो स्टेटमेंट रीड करते हैं. अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली ठीक है A cricket ball is hit vertically upward and returned to the ground in 6 seconds. यानी कि जी एक मैंने बच्चा बना दिया है यहाँ पे, उसने हाथ में बैट पकड़ा हुआ है, उसने क्रिकेट बॉल को हिट किया है और वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके नीचे आता है, तो इस पूरे टाइम में उसको लगते हैं कितने 6 सेकेंड्स लगते हैं. ठीक हो गया, ये मैंने स्टेटमेंट अभी बता दिया. मैं कैलकुलेट इज मैक्सिमम हाइट, इसकी हमने क्या करते हैं मैक्सिमम हाइट, यानी कि यहाँ तक टोटल जो है कितना डिस्टेंस कवर करता है. अब देखें यहाँ पे हाइट का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पर जो डिस्टेंस है विच इज़ एक्चुअली आ हाइट. ठीक है, हमने बेसिकली टोटल डिस्टेंस कवर करना है, हम उसको हीट वो हाइट में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. और सेकेंड चीज़ क्या करनी, हमने मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी, और हमने क्या करनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है. देखिए अब हमारे पास न्यूमेरिकल स्पिट ट्रिकी वन, लेकिन है बड़ा यानी कि ना इजी सा है. पहली बात क्या कि टाइम दिया रही उन्होंने, टाइम क्या गिवन है जी 6 सेकेंड्स, लेकिन 6 सेकेंड्स तो बच्चों ऊपर जाने में भी और वापस आने में भी, तो दो ऊपर भी गया फिर वापस आया, तो अगर इसका मैं हाफ कर दूंगा कि सिर्फ ऊपर जाने का, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने को इसको कितने सेकंड लगे होंगे, 3 सेकंड्स लगे होंगे. नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, हमें पता है कि जब चीज़ यहाँ तक पहुँचती है ठीक है, तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कुछ देर के लिए रुकती है, हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम डिटेल माइक्रोस्कोपिक पे देखें तो जब बॉल यहाँ से जाती है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक वक्त ऐसा आता है जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते फिर कुछ पॉइंट के लिए वो रुकती है, उस पॉइंट पे उसकी जो चीज़ रुकने का वर्ड आ गया तो इट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. यानी कि बैट को हिट करने वाली वेलोसिटी फाइंड करने जब वो वहाँ पे पहुँची थी इस जगह पे, तो तब उसकी थी फाइनल वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या आ गई 0 मीटर पर सेकेंड आ गई. और जिसमें क्या चीज़ गिवन है, अब देखें अब बॉल को जब मैं कोई चीज़ हिट करता हूँ या जब भी मैं कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकता हूँ, ऐसे मैं फेंक रहा हूँ तो अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूँ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन. तो टाइम भी है, वी एफ भी है और जी भी है, तो फार्मूला देखें कौन सा लगेगा. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. देखिए वी एफ क्या जी हमारे पास 0 था, वी हमने आई फाइंड करना है. अब जी जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि अब ड्यू टू ग्रेविटी है तो इट विल कन्वर्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा जी टी पुट कर दूंगा. तो यहाँ पे वी आई वैसे का वैसे ये हो जाएगा जी प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वी आई इज इक्वल टू सॉरी -30 यहाँ पे 0 ये 30 वहाँ पर चला जाएगा, तो वी आई की क्या वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी इसका ये मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल इनिशियल वेलोसिटी, हमने इसके क्या फाइंड कर ली इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली, तो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल अब देखें वी एफ मेरे पास आ गई है, वी आई मैंने फाइंड कर ली है, वी एफ भी मेरे पास थी पहले ठीक है. वी आई जब हमने मैंने बैट को हिट बैट से हिट किया था इस बॉल को,
तो वी आई ये है, वी एफ हमारे पास क्या था जी, ज़ीरो था। तो हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी, तो अगर आप थर्ड इक्वेशन पर जाएंगे वी एफ का स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर, तो क्योंकि ये डिस्टेंस है, मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक यहाँ पर एक्चुअली ये एक डिस्टेंस कवर कर रही है, और हम डिस्टेंस यानी कि ऊपर की तरफ है, तो इट मीन्स हम डिस्टेंस को हाइट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो सेम इसी तरह टू ग्रेविटेशन, ये सॉरी ये जी हो जाएगा, टू माइनस टेन वी एफ यानी कि ज़ीरो का स्क्वेयर माइनस थर्टी का स्क्वेयर, ये हो जाएगा जी माइनस ट्वेंटी एच माइनस 900, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 900 ओवर 20, तो ये एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 मीटर आ जाएगी। जीरो जीरो से कैंसिल, टू वन जो टू, और टू के टेबल में 90 कहाँ पे आता है, 45 पे आता है, तो 45 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो सेम वो रिव्यू के बॉल को हमने हिट किया, जो हिट करने वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमने फाइंड करनी थी और कितना ऊपर वो गया। तो पहले मैंने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली, फिर मैंने क्या किया उसमें थर्ड इक्वेशन में पुट करके मैंने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली। तो बच्चों ये हमारे थे न्यूमेरिकल 2.6, 2.7, 2.8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।